वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल हम टीवी पर बहुत डिबेट्स देखते हैं, खासकर मुसलमान भाइयों को लेकर। ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये सही है, तू सच्चा है, तू झूठा है। पर आज हम गुरबाणी के जरिए जानेंगे सच्चा मुसलमान कैसा होता है, उसका किरदार कैसा होता है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं, उसका जीवन जीने का तरीका कैसे होता है। भाइयों गुरबाणी के अंदर बहुत सारी ऐसी वर्स मौजूद हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 वर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। गुरबाणी हमको समझाती है मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिलते तो होवे। सच्चा मुसलमान कैसा होता है? गुरु साहब फरमाते हैं मुसलमान मोम दिल होवे, उसका दिल मोम के जैसा होना चाहिए। मतलब अगर किसी भूखे को देखे ना वो, तो अपनी थाली में से उठाकर उसको रोटी खिलाए। किसी लाचार को देखे उसकी हेल्प करे, किसी बीमार को देखे उसका इलाज करवाए, लोगों पर रहम करे, दया करे, किसी का बुरा ना सोचे, सबका भला मांगे। मुसलमान मोम दिल होवे, किसी का दुख ना देख पाए। अंतर की मल दिलते तो होवे, जो उसके दिल के अंदर बुराइयां हैं, जो वो झूठ बोलता है, जो वो ठगी करता है, जो वो गलत काम करता है, अल्लाह की बंदगी करे और उस अल्लाह से दुआ करे कि मेरे अंदर से उन बुराइयों को ख़त्म कर दे, ताकि सच्चा मुसलमान बन सकूं। अंतर की मल दिलते तो वह, जो उसके दिल के अंदर बुराइयां हैं, अल्लाह की बंदगी करके, दुआ करके अल्लाह से उनको ख़त्म करने की गुजारिश करे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। मुसलमान धर्म के अंदर मुल्ला और काजी को ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो गुरु साहब समझाते हैं यहाँ पर काजी कैसा होना चाहिए। सच कमावे सोई काजी, सच का मतलब है अल्लाह की बंदगी। अल्लाह की बंदगी जो करता है सही मायनों में, वो काजी कहलाने का हकदार है। सच कमावे सोई काजी, असली काजी वही है जो सच कमाता है, जो अल्लाह की बंदगी कमाता है। जो दिल सोधे सोई हाजी, जो दिल सोधे मतलब शोध करना, अपने बुराइयों को पहचानना और उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, रोज उनसे लड़ता है, अपने दिल से उनको साफ करता है, झूठ नहीं बोलता, ठगी नहीं करता, चोरी नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता। जो दिल सोधे सोई हाजी, जो मुसलमान अपने अंदर से बुराइयां ख़त्म करके अल्लाह की बंदगी करता है, वो रोज़ाना हज करता है। गुरबाणी हमको समझाती है उसका जब दिन ख़त्म होता है तो उसको हज करने के बराबर का फल मिलता है अल्लाह की दरगाह के अंदर। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कुड़ियार कूड़े कुड़ी पाए। करनी कलमा 5 टाइम की नमाज अदा करके जो लोगों का भला मांगता है, सच बोलता है, दुकान पर बैठ के ठगी नहीं करता, सबसे प्यार करता है, लोगों का भला चाहता है, दया करता है, रहम करता है, ता मुसलमान सदाए, सच सही मायनों में वो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है। नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए, कहते जो ढोंग करते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए, कहते जो ढोंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि मैं मुसलमान हूं, पर पीठ पीछे चोरियां करते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी पर गलत निगाह रखते हैं। नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए, कहते अंत में जाके वो कूड़े में मिल जाते हैं, वो दोजख में मिल जाते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता मरने के बाद, अल्लाह भी उनसे मुंह फेर लेता है। नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए, कहते हैं गुरु साहब फरमाते हैं कि वो कूड़े में मिल जाएंगे, उनका जीवन भी कूड़ा है। भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी भाई या बहन मुझे एडवाइस करना चाहता है तो आपका वेलकम है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करें। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का बना।